राम मंदिर पर आने वाले फैसले के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कमरकस तैयारी की है। इसी कड़ी में खरगोन जिले के ग्राम सेगांव में पुलिस चौकी पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर, चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन, राजस्व निरीक्षक सोहन डालके, प्रधान आरक्षक संतोष चौधरी, आरक्षक मुकेश पटेल, कृष्णकांत चौहान मौजूद थे। बैठक में उन थाना प्रभारी ठाकुर ने कहा कि पूरे जिले में आपका गांव अमन चैन और आपसी भाईचारे को लेकर प्रसिद्ध है। आप इसे हमेशा बनाए रखें और साथ ही आप ध्यान रहे कि व्हाट्सएप फेसबुक पर ऐसा कोई मैसेज आदान प्रदान ना करे जिसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अभी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अयोध्या मंदिर पर आने वाला है, जिसको लेकर भी आप सौहार्दपूर्ण कार्य करें। वहीं चौकी प्रभारी जादौन द्वारा भी बताया गया है कि आप 2 सप्ताह तक अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में दूसरे के सदस्यों की पोस्ट डालने दें, स्वयं ही डालें। आने वाले ईद और अन्य त्योहारों पर आपसी भाईचारा बनाए रखें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। समिति के सदस्य कमालुद्दीन बाबा और पंडरीनाथ गुप्ता द्वारा भी बताया गया कि हमारे यहाँ वर्षों से हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते आ रहे हैं, ना ही हमारे में कोई वैचारिक मतभेद है। उपस्थित सभी सदस्यों और अधिकारियों को आपसी भाईचारा बनाए रखने की शपथ दी डिप्टी कलेक्टर चौहान द्वारा दिलाई गई। सेगांव से संजय जसवाल की रिपोर्ट। शांति समिति की बैठक आज आयोजित की गई थी और रूटीन बेसिस पे जो त्योहारों को लेकर और आने वाले जो भी प्रोग्राम होते हैं उसको लेकर यह बैठक रखी गई थी। वो ये डेली बेसिस पे होती है ताकि शहर में, गांव में और पूरे तहसील में शांति व्यवस्था बनाई रहे। क्या और क्या सुझाव आए हैं? कुछ सुझाव में यही है कि आप सभी का सहयोग बना रहे इसमें और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है उसको भी ध्यान में रखकर ये बैठक रखी गई। सर, क्या तैयारी है अयोध्या मामले को लेकर? हमारी तैयारी जो भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम हो जाए और जो भी निर्णय आएगा उसके लिए हम सभी तैयारी है हमारी, और उसमें जो भी हो सके, जो भी निर्णय आए उसमें हम अपनी तरफ से और आपकी तरफ से सहयोग हम चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।